नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी जो कक्षा है ऑपरेटिंग सिस्टम, इस कक्षा में अगला प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित को समझाइए। अधिकांशतः क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट से संबंधित, टिप्पणी, शॉर्ट नोट या संक्षिप्त में समझाइए। तो ये जो शॉर्ट नोट है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको शॉर्ट नोट एक्सप्लेन किए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी जो अधिकांशतः पूछे जाने वाले शॉर्ट नोट हैं, वो अब मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसके अंदर देखा जाए तो डायल अप नेटवर्किंग, मॉडेम, डायरेक्ट केबल कनेक्शन, हाइपर टर्मिनल, नेट मीटिंग, फोन डायलर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक हैं, ये सब अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ा फीचर्स होता है कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों, नोट्स के माध्यम से इसको हम समझते हैं। कम्युनिकेशन में बात करें तो सबसे पहले होता है डायल अप नेटवर्किंग। डायल अप नेटवर्किंग जो कि कम्युनिकेशंस का सबसे बड़ा साधन होता है। कम्युनिकेशन मतलब सूचना या इंफॉर्मेशन को या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। जो हम बातचीत करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, ये पर्टिकुलर एक प्रकार से सूचना या इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करता है। अब कम्युनिकेशन के अंदर डायल अप नेटवर्किंग क्या होता है? दोस्तों, डायल अप नेटवर्किंग जो होता है, ये विंडोज़ के अंदर एक सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया होती है इंटरनेट कनेक्शन की। इंटरनेट जो आज हमारे लिए बिल्कुल साधारण सी बात है कि आसानी से हम कहीं पर भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, जो वाईफाई जैसी सुविधा या पर्टिकुलर ब्रॉडबैंड जैसी सुविधा हमारे सामने है। लेकिन जब स्टार्टिंग में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो इस प्रकार की सुविधा विशेषता नहीं होती थी, उस समय डायलअप नेटवर्किंग का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, डायलअप नेटवर्किंग जो होता है, इसमें पर्टिकुलर इंटरनेट को ऑपरेट करने का कार्य किया जाता है, इंटरनेट को कनेक्ट करने का कार्य किया जाता है, जिसमें टेलीफोन कनेक्शन का होना हमारे पास जरूरी है, मॉडेम नामक डिवाइस का होना जरूरी है और कंप्यूटर का होना जरूरी है। फिजिकली रूप से केबल के माध्यम से इन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है और एक डायलअप कनेक्शन बनाया जाता है, तब जाके हम इंटरनेट को ऑपरेट कर सकते थे। तो आइए दोस्तों, इसको हम थ्योरी वाइज देखते हैं। डायलअप नेटवर्किंग हमें डायलअप कनेक्शन की सुविधा देता है। यह विंडोज़ का एक कंपोनेंट होता है जिसके द्वारा हम मॉडेम की सहायता से टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग करके कंप्यूटर में इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए या इंटरनेट कनेक्शन को स्थापित करने के लिए पर्टिकुलर डायलअप कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसके अंदर मॉडेम डिवाइस का प्रयोग होता है। मॉडेम के बारे में मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में बताया था, जो हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जिस प्रकार टेलीफोन के माध्यम से हम किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर हमें डायल करना होता है, तब जाके हम उससे कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से विंडोज़ के अंदर यदि इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो उसके लिए डायल अप कनेक्शन का होना जरूरी है, जो कि जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे BSNL, एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, जियो वगैरह, ये सभी एक प्रकार से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और इस प्रकार की जो सुविधा होती है, ये हमें इनके द्वारा दी जाती है। और इंटरनेट कनेक्शन स्थापित होने के बाद या कनेक्ट होने के बाद हम किसी भी वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम वगैरह का प्रयोग करके हम आसानी से इंटरनेट को ऑपरेट कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, देखते हैं कि डायलअप नेटवर्किंग का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। डायलअप कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमारे पास ये निम्न सुविधाएं होना जरूरी है। एक यूज़र नेम, पासवर्ड और इंटरनेट एक्सेस करने का जो दूरभाष नंबर मतलब टेलीफोन नंबर होता है वह। उपर्युक्त सुविधा जो हमारी है होने के बाद हमारे कंप्यूटर में मॉडेम को इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा, मॉडेम को कनेक्ट करना पड़ेगा, हमारे कंप्यूटर में डायलअप कनेक्शन अगर बना होना चाहिए, अगर नहीं बना है तो बनाना पड़ेगा। उपर्युक्त सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद हम इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए निम्न प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले टेलीफोन सुविधा को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, मतलब आपके टेलीफोन लाइन कंप्यूटर से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर डायलअप कनेक्शन बना हुआ है तो उसका नाम स्टार्ट मेन्यू में आ जाएगा, मतलब उसका नेम आ जाएगा या फिर डेस्कटॉप पर उसका आइकन हो जाएगा, और जैसे उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है, जो विंडो दिख रही है, ये एक प्रकार का डायलअप कनेक्शन है। और जैसे हम डायल पर क्लिक करेंगे
तो पर्टिकुलर हम इंटरनेट कनेक्शन को स्थापित कर सकते हैं। एक बात बता दूँ दोस्तों, इंटरनेट जोड़ने के लिए नंबर डायल करते समय डायलअप कनेक्शन में जब पर्टिकुलर हम यूज़र नेम पासवर्ड एक बार दे देते हैं तो वो उसे सेव कर लेता है। बार बार इंटरनेट कनेक्ट समय करते समय हमें यूज़र नेम पासवर्ड देने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से दोस्तों किसी वाईफाई से हम कनेक्ट होते हैं तो वाईफाई में एक बार पासवर्ड डालने के बाद में हम जब भी उस वाईफाई एरिया में जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर भी है। नंबर डायल करने पर इंटरनेट सेवा से हम कनेक्ट हो जाते हैं, पासवर्ड को वो चेक करता है। इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद टास्क बार में उसके दाई तरफ एक आइकॉन आ जाता है, जैसे नीचे हम देखते हैं यहाँ पर हमें वाईफाई का आइकॉन दिखता है, वैसे यहाँ पर डायलअप कनेक्शन का आइकॉन आ जाता है जैसे नेट कनेक्ट होता है उसके बाद। फिर जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास ब्राउज़र है उसका हम उपयोग कर सकते हैं और होम पेज की सहायता से इंटरनेट को ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मॉडेम की बात करते हैं। मॉडेम जैसा कि मैंने बताया था कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है, हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसके बिना हम इंटरनेट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मॉडेम जो डिवाइस होता है एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस होता है। इसे किस प्रकार से कंप्यूटर में एड या इंस्टॉल किया जाता है इस पर हम चर्चा करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हम निम्न प्रोसेस का यूज़ करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल ओपन होगा। इसमें हम प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर ऑप्शन पर जाएंगे। वहाँ पर पर्टिकुलर प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर के अंदर फ़ोन एंड मॉडेम करके ऑप्शन रहेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जैसा आप साइड में देख सकते हैं दोस्तों, डायग्राम में आपके सामने शो है। इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। हार्डवेयर विजार्ड ओपन होगा, उसमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर पुनः नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे जिससे एक प्रोसेस कंप्लीट होगी और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर वह मॉडेम का मॉडल नंबर भी पूछता है, उसका टाइप भी पूछता है, किस कंपनी का है, एयरटेल है, रिलायंस है, आइडिया का है। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद में हम फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे जिससे मॉडेम इंस्टॉल होगा। दोस्तों मॉडेम इंस्टॉल होने के बाद में डायलअप कनेक्शन का उपयोग करना हमने देखा, लेकिन डायलअप कनेक्शन बनता कैसे इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। डायलअप कनेक्शन बनाने के लिए हमें निम्न प्रोसेस को ऑपरेट करना है। स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन आइकन पर क्लिक करना है और नेटवर्क कनेक्शन आइकन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो नेटवर्क कनेक्शन की विंडो जो कि आपके सामने है इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। इसके अंतर्गत न्यू कनेक्शन विजार्ड ओपन होगा, वहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उस विजार्ड के अंदर मतलब उस प्रोसेस के अंदर हमें दो बार नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है जैसे कि आप देख सकते हैं, और सेटअप माई कनेक्ट मैन्युअली रेडियो बटन पर क्लिक करना है जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ इस प्रकार की विंडो रहेगी। सेटअप माई कनेक्शन मैन्युअली पर हमें क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और ऑप्शन पर इंटरनेट जो प्रदाता है मतलब जो प्रोवाइडर है, जो कंपनी है, जिस प्रकार का कनेक्शन आपने लिया है, जिस जो प्लान को आपने लिया है उसे आप सिलेक्ट करेंगे और मॉडेम के माध्यम से डायलअप कनेक्शन चलाना अगर चाहते हैं तो उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अगली स्टेप में ISP का नेम मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नेम कि वो आइडिया का है कि एयरटेल का है कि BSNL का है उसका नाम आपको देना रहेगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और अगली स्टेप में इंटरनेट जो प्रोवाइडर है कंपनी का फ़ोन नंबर आपको क्या दिया है, आपका लैंडलाइन नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। और फिर जो अगली स्टेप होगी दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और लास्ट में फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। जैसा आप फिनिश बटन में क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो डायलअप कनेक्शन का आइकॉन है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार का आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये जो डायग्राम आपको दिया है ये BSNL के नाम से डायलअप कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आइकन पर राइट का सिम्बॉल है मतलब वो डायलअप कनेक्शन हमारा बन चुका है, अब हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो डायलअप कनेक्शन है उसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडेम को इंस्टॉल कर सकते हैं और डायलअप कनेक्शन को उपयोग किस तरह से करना है ये भी हमने देखा। तो डायलअप कनेक्शन इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए सबसे प्रारंभिक सुविधा थी जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमको दी गई थी, इसके बाद ही हम इंटरनेट को ऑपरेट कर सकते थे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है डायरेक्ट केबल कनेक्शन। दोस्तों एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम कई सारे एक्सटर्नल डिवाइस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डायरेक्ट केबल कनेक्शन की सुविधा भी देता है। इसके माध्यम से डायरेक्ट केबल से हम दो सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें डाटा या सूचनाओं को शेयर आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए अगर हम प्रोसेस देखें
तो डायरेक्ट केबल कनेक्शन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक ऐसा फीचर्स होता है जिसमें हम इनपुट आउटपुट पोर्ट के माध्यम से केबल या वायर के द्वारा दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और जहां हमें कंप्यूटर के आपस में जोड़ने के लिए मॉडेम या अन्य किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यहां डायरेक्ट केवल केबल के द्वारा ही हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, अन्य किसी डिवाइस की ज़रूरत हमें नहीं है। इस प्रकार के कनेक्शन के माध्यम से हम दोनों कंप्यूटर के बीच फाइलों का आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब जो भी डाटा होता है, हम फोल्डर होता है, अगर बड़ी मात्रा में है तो उसको हम आसानी से कॉपी पेस्ट करने का काम कर सकते हैं। इस प्रकार के जो कनेक्शन होते हैं वो सीरियल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। यह आपके पोर्ट पर डिपेंड करता है, आपके कार्य पर डिपेंड करता है कि आपको सीरियल रखना है कि पैरेलल रखना है। अगर इस कनेक्शन को दोस्तों क्रिएट करना है तो निम्न प्रोसेस है। स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल पर जाना है, नेटवर्क कनेक्शन पर जाना है, नेटवर्क टास्क में आपको क्रिएट न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू कनेक्शन विजार्ड आपके सामने ओपन होगा, उसमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। सेटअप एंड एडवांस कनेक्शन रेडियो बटन आपके सामने ओपन होगा, वहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। एडवांस कनेक्शन ऑप्शन जो रहेगा उसमें कनेक्ट डायरेक्टली टू अनादर कंप्यूटर रेडियो बटन को सिलेक्ट कर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और स्टेप फोर में हम अपने कंप्यूटर को होस्ट या गेस्ट में जिस तरह से रखना चाहें उस तरह रख सकते हैं, कि आपको आपका कंप्यूटर होस्ट बनाना है जिसके साथ ऐसा ऑपरेट हो, या गेस्ट बनाना हो, आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं और उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम कनेक्शन के लिए पैरेलल पोर्ट का उपयोग करना चाहते हैं तो दी गई ड्रॉपडाउन लिस्ट में डायरेक्ट पैरेलल मतलब LPT1 विकल्प को सिलेक्ट करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, सीरियल या पैरेलल का उपयोग कर सकते थे, अधिकांशतः पैरेलल का ही उपयोग किया जाता है। एक साथ हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो सूची हमारे सामने है वो यूज़र के लिए होती है कि डायरेक्ट केबल कनेक्शन की सुविधा बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से यूज़र्स को हमें लेना है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का हम चयन करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर कौन रहेगा, वो सिस्टम्स को हम सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तथा अंत में फिनिश बटन पर आप क्लिक करेंगे। अगर पैरेलल कनेक्शंस का उपयोग कर रहे हैं तो दोनों कंप्यूटर में विंडोज 2000 XP का होना ज़रूरी है। अगर हम विजार्ड में अपने कंप्यूटर को होस्ट के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो हमारा कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लॉग ऑन होगा। अब दोस्तों, ये जो मैं प्रोसेस बताई है विंडोज XP 2000 की है, यही वर्तमान में भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो अगला कम्युनिकेशन हमारे लिए होता है हाइपर टर्मिनल। हाइपर टर्मिनल एक ऐसी प्रोसेस होती है कि हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिन प्रोसेस भी दोस्तों कहा जाता है, कि अगर पर्टिकुलर आपके पास आपका कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर का आपका ऑफिस में रखा हुआ है और आपको घर बैठे बैठे ऑफिस के कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, वहाँ के किसी फाइल को कॉपी करना है, शेयर करना है, या यहाँ से आपको ऑफिस का वर्क करना है ऑफिस के कंप्यूटर पर, तो आप यहाँ घर बैठे बैठे आप ऑफिस के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप को हम आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एक ही प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आसानी से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम डायरेक्ट केबल कनेक्शन की सहायता से दो पास रखे कंप्यूटर को भी आपस में जोड़ सकते हैं, या हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूर रखे हुए सिस्टम्स को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मॉडेम तथा टेलीफोन नेटवर्क के कनेक्शन को अपने कंप्यूटर में जोड़ेंगे। मतलब इसके लिए दोस्तों एक बात बता दूं, इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है दोनों कंप्यूटर में, आप जिस कंप्यूटर से ऑपरेट करने जाने हैं वह भी, और एक दूर आपके ऑफिस में रखा कंप्यूटर वह भी। दोनों कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है और दोनों में ही इंटरनेट ऑन होना चाहिए। उसके बाद हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर चलाने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज, और उसके अंदर हम कम्युनिकेशन के अंदर हाइपर टर्मिनल पर क्लिक करेंगे, जिससे हाइपर टर्मिनल विंडो का जो कनेक्शन डिस्क्रिप्शन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में हम कनेक्शन का नाम देंगे जिस नाम से हमें हाइपर टर्मिनल कनेक्शन सेव करना है तथा कनेक्शन के लिए उपयुक्त आइकन को ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगली स्टेप में दूर रखे कंप्यूटर जहाँ उस रखा हुआ है उसकी कंट्री कोड, या विदेश में रखा तो कंट्री कोड, या अपने एरिया में रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा। और उस डायलॉग बॉक्स में हम अपनी इंटरनेट प्रदाता मतलब अपना जो पर्टिकुलर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है उसका एरिया कोड वहाँ पर हमें डालना होता है, उसका फ़ोन नंबर हमें डालना होता है और ओके बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे दूर रखे हुए कंप्यूटर का नंबर डायल करने पर
अगले डायलॉग बॉक्स में कनेक्ट टू डायल बटन पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे कनेक्टेड टू डायल बटन पर दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर सामने रखा हुआ जो कंप्यूटर है, दूर रखा हुआ जो कंप्यूटर है या अन्य किसी शहर या प्रदेश में रखा हुआ कंप्यूटर है उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे और फिर हम उस कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस वर्तमान में आप देख सकते हैं टीमवेयर की सहायता से, टीमवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है उससे भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, एनवी एडमिन जो सॉफ्टवेयर है उससे भी ऑपरेट कर सकते हैं और एनी डेस्कटॉप जो है इसके माध्यम से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। और विंडोज़ जो हमें निःशुल्क सॉफ्टवेयर देता है वो होता है हाइपर टर्मिनल, जिसके माध्यम से हम रिमोट लॉगिन प्रोसेस को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है और एक कंप्यूटर को होस्ट बना करके दूसरे कंप्यूटर गेस्ट बनाना है तो हम उससे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा है नेट मीटिंग। नेट मीटिंग मतलब हम एक साथ एक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जैसे अभी आप वर्तमान में कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत करते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत करते हैं, सेम प्रोसेस यदि आपको विंडोज़ के अंदर करना है दोस्तों तो यह नेट मीटिंग का फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। नेट मीटिंग में हम एक साथ एक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित कर नया माध्यम उपलब्ध कर सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस संपर्क के माध्यम से कार्य में लागत मतलब जो कॉस्ट जो हमारी होती है वो कम होती है, किसी प्रकार का ज़्यादा खर्च हमें वहन नहीं करना पड़ता है। और नेट मीटिंग की सहायता से हम मीटिंग में भाग ले सकते हैं और अपने बातों को, प्रोग्राम्स को या डिस्कस को शेयर कर सकते हैं, आसानी से ऑडियो वीडियो हम चैट भी कर सकते हैं, साथ में पर्टिकुलर कॉल भी कर सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस की बात करें इंस्टॉलेशन नेट मीटिंग, तो हमारे कंप्यूटर में नेट मीटिंग स्थापित अगर नहीं है तो इसे इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही सीधी प्रोसेस है दोस्तों। इस वर्क को विंडोज़ में हम हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं, इसमें लिंक दी जाती है जिसके द्वारा हम आसानी से उसमें इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में हेल्प एंड सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है, जिससे एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में टूल बार में इंडेक्स पर आपको क्लिक करना है, जिससे एक इंडेक्स बाईं ओर जैसे आप देख सकते हैं टाइप द कीवर्ड टू फाइंड द नेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट बॉक्स में नेट मीटिंग जो वर्ड है उसे टाइप करेंगे, जिससे टेक्स्ट बॉक्स में नीचे आने वाली इंडेक्स सूची में नेट मीटिंग शब्द आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सूची में आने वाले नेट मीटिंग शब्दों को सिलेक्ट कर कीबोर्ड में एंटर की को हम प्रेस करेंगे, एंटर की को दबाएंगे, जिससे टॉपिक फाउंड डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में दर्शाए गए अनुसार यूजिंग नेट मीटिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर डिस्प्ले बटन पर हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो भी आपको लेना है उसे सिलेक्ट करके आप डिस्प्ले क्लिक करेंगे, जिसमें दाएं भाग में यूजिंग नेट मीटिंग डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको उसको यूज़ करना है, जिसमें पूरा विवरण उसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने शो होगा। और इस लिंक पर माउस के द्वारा क्लिक करके जिससे हम नेट मीटिंग विजार्ड ओपन होगा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। विजार्ड की दूसरी स्टेप में निम्नानुसार ईमेल, आपका पता, विवरण वगैरह जो भी जानकारी पूछ रहा है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। मॉडेम की स्पीड वगैरह आप निर्धारित कर सकते हैं। अगली सभी स्टेप्स में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने में अंत में आपको फिनिश बटन पर क्लिक करना है, जिससे नेट मीटिंग जो आइकॉन है वो आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। और आइकॉन क्रिएट होने के बाद में जैसे ही पर्टिकुलर उस आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे तो आप नेट मीटिंग्स में कनेक्ट हो जाएंगे। आप आपकी जानकारी, चैट, वीडियो, ऑडियो वगैरह को आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फीचर्स होता है दोस्तों नेट मीटिंग से संबंधित, कॉन्फ्रेंस से संबंधित, वीडियो कॉन्फ्रेंस संबंधित, जिससे हम एक साथ ग्रुप में बैठ करके कम्युनिकेशंस की सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फोन डायलर की। फोन डायलर विंडोज़ में उपलब्ध एक सुविधा है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, टेलीफोन कॉल करते हैं, वैसे इंटरनेट के माध्यम से अगर आपको कॉल करना है, वॉइस कॉल करना है या वीडियो कॉल करना है तो यह सुविधा हमें फ़ोन डायलर की सहायता से दी जाती है। फ़ोन डायलर के द्वारा वॉइस कॉल को करने के लिए हमारा कंप्यूटर में मॉडेम जो रहता है पर्टिकुलर माध्यम से टेलीफोन नेटवर्क जुड़ा होना चाहिए, मतलब इंटरनेट कनेक्शन हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए। और टेलीफोन के स्विच के द्वारा हम टेलीफोन भी हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए ताकि नंबर डायल होते समय पर्टिकुलर टेलीफोन का हम उपयोग कर सकें, उससे हम बात कर सकें। और साउंड कार्ड का भी होना जरूरी है, जिससे ऑडियो वीडियो जो पर्टिकुलर आप बोलना चाहेंगे वो इनपुट भी हो और जो सुनना चाहेंगे उसका आउटपुट भी आपको प्राप्त हो। वीडियो कॉल में पूर्णतः भाग लेने के लिए हमारे पास वीडियो कैमरा का होना जरूरी है। अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आपके पास वेबकैम
या वीडियो कैमरा का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास वीडियो कैमरा नहीं है तो आप वीडियो कॉल में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में पर्टिकुलर आप अगर बिना वीडियो कैम या वीडियो कैमरा के अगर कॉल करेंगे तो कॉल हो जाएगा, लेकिन आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है, वो सामने वालों को नहीं दिखाई देगा। और सामने वाले के पास अगर वीडियो कैम वगैरह है तो स्क्रीन पे आप उसे नहीं देख सकते, केवल आवाज़ उसकी आप सुन सकते हैं। और फोन डायलर जो पर्टिकुलर उपलब्ध होता है वो ऑल प्रोग्राम के अंदर एसेसरीज मेन्यू, एसेसरीज के अंदर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा ऑप्शन होता है फ़ोन डायलर, जिसके माध्यम से पर्टिकुलर हम इस फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर एसेसरीज में कम्युनिकेशन डायलर प्रोग्राम ना मिले दोस्तों, तो स्टार्ट मेन्यू में रन पर जाकर आप dialer.exe जैसे टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ोन डायलर फीचर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा फीचर्स है दोस्तों, जिसके माध्यम से पर्टिकुलर हम फ़ोन डायलर का प्रयोग कर सकते हैं। फ़ोन डायलर के द्वारा नंबर डायल करने पर टूल बार में डायल बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे डायल प्लग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने पर कनेक्टेड टू नंबर पर क्लिक करेंगे और नंबर डायल करेंगे और प्लेस कॉल बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लेस कॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर ये जो फीचर आपके सामने ऑन हो जाएगा और आप उस नंबर से कनेक्ट हो जाएंगे, उससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों एक सुविधा और भी यहाँ पर इसके अंदर फ़ोन डायलर में होती है कि आप एक साथ कई नंबर पर कॉल करना चाहते हैं या एक साथ कई लोगों को कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग कॉल को आप पहुँचाना चाहते हैं, तो यह भी सुविधा हमको फ़ोन डायलर देता है। एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फीचर है दोस्तों ये। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर के। इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों एक प्रकार का होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जिस पर हम इंटरनेट को ऑपरेट करते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट को सर्च करते हैं। जैसा कि अगर बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला, ओपेरा, तो ये एक प्रकार के वेब ब्राउज़र होते हैं दोस्तों, जो वेबसाइट को सर्च करने में, वेबसाइट को ढूंढने में हमें हेल्प करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा हमें ये वेब ब्राउज़र बिल्कुल निःशुल्क दिया गया है दोस्तों। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउज़र होता है वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे कि आप नीचे दोस्तों टास्क बार में देख सकते हैं, मेरे पास भी ये ई बना हुआ है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। केवल इंटरनेट से जुड़ने मात्र हम इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास वेब ब्राउज़र प्रोग्राम का भी होना ज़रूरी है। और इसको उपयोग करने के लिए, वेबसाइट को ओपन करने के लिए विशेषताई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमको पड़ती है, उसे वेब ब्राउज़र हम बोलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक प्रकार का ब्राउज़र है। इंटरनेट से जुड़ने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर की सहायता से हम वेब पर उपलब्ध किसी भी जानकारी को आसानी से सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, उसे देख सकते हैं। नेटस्केप, नेविगेटर, मोज़ेक आदि अन्य वेब ब्राउज़र जो होते हैं ये इसके एग्जांपल हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए, बाद में स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे, एक्सप्लोरर ओपन होते ही आप वेब पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, जिसके अंदर आप आपके आवश्यकता अनुसार जिस भी वेबसाइट्स को आप इंटर करना चाहें उस वेबसाइट्स को इंटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम www.google.com को डालते हैं, जिससे सर्च इंजन ओपन होता है और उस सर्च इंजन के अंदर पर्टिकुलर हम हमारी वेबसाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में होम पेज को अगर आपको चेंज करना है, आपका होम पेज अगर आपको बदलना है, तो मेन्यू बार में टूल्स जो मेन्यू होता है इंटरनेट कनेक्ट एक्सप्लोरर में, उस पर आपको क्लिक करना है, इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इंटरनेट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं। इस बॉक्स में होम पेज में एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स पेज पर आपको क्लिक करना है, बटन पर आपको क्लिक करना है। उस वेबसाइट का नाम आप दो जो आपको होम पेज पर चाहिए और अप्लाई बटन पर दोस्तों क्लिक कर देंगे। तो आप जब भी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का वेब पेज ओपन करेंगे तो वही लिखा हुआ आएगा, वही वेबसाइट का नाम आएगा जिसे आप ओपन करना चाहते हैं, जिसे आप हमेशा देखना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है दोस्तों, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा हमें निःशुल्क रूप में दिया जाता है, जिसे हम आसानी से इंटरनेट को ऑपरेट करने में यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे टॉपिक हमने देखे, ये सभी हमारे कम्युनिकेशन से संबंधित थे, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दी गई एक प्रकार की विशेषताएँ फीचर्स है, जिसमें डायलअप नेटवर्किंग के बारे में हमने चर्चा की कि डायलअप नेटवर्किंग क्या होता है, किस तरह स्थापित किया जाता है, कैसे इसका उपयोग करते हैं,
मॉडेम के बारे में हमने चर्चा की कि मॉडेम का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। डायरेक्ट केबल कनेक्शन के ऊपर हमने चर्चा की कि दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके हम किस प्रकार से डाटा को शेयर कर सकते हैं। हाइपर टर्मिनल पर हमने चर्चा की कि हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करके कैसे उसके डेस्कटॉप को एक दूसरे कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं। नेट मीटिंग हमने देखी जिसमें वॉइस या वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में हम कनेक्ट होकर के ग्रुप में मीटिंग कर सकते हैं। फ़ोन डायलर के ऊपर हमने चर्चा की दोस्तों, जिसमें हम वॉइस कॉल भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। लास्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हमने चर्चा की, जो कि एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। तो ये शॉर्ट नोट थे दोस्तों, एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसे आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो पूरा वॉच किया होगा, आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, आप नोट्स के माध्यम से इनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको जो बुक्स प्रोवाइड की गई है, नोट्स दिए गए, उसके अंदर भी है, उसके माध्यम से आप पढ़िए, वीडियो के माध्यम से आप समझिए, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। इस वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ओके, गुड बाय।